हेलो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 12 फिजिक्स की परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके भविष्य का अंक बदल जाएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके 10 नंबर अधिक आएंगे। यदि आपको फेल होने की संभावना है तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, उसका डर खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ उस तरीके से आप बहुत ही अच्छे नंबर लाएंगे। तो क्या करना है इसमें, तो देखते चलिए। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में करेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में। तो ऐसे मैं हिंदी मीडियम का ही लिया हूँ, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले भी इसका जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे वो इंग्लिश में करेंगे। तो देखते चलिए क्या करना है आपको इसमें। वैसे पहले तो जो ऑब्जेक्टिव होता है उसकी तो बात ही नहीं करनी। ऑब्जेक्टिव में तो केवल रंगना है, तो रंगना है तो कैसे भी हमारा नंबर आना ही आना है उसमें। लेकिन हाँ, गलत नहीं रंगना है। रंगने की बात होती है तो कुछ लड़के या तो टिक मार देते हैं या केवल थोड़ा सा इस तरह रंग के छोड़ देते हैं, ये गलत है। रंगने के लिए आपको पूरा रंगना है। आप पहले रंगिए, फिर लास्ट में धीरे धीरे करके रंग दीजिए, ताकि गोला से बाहर ज्यादा मत जाए। या किनारे किनारे आप पहले से ही ले लीजिए कि आपका बाहर मत जाए, और फिर आप अंदर से रंगिए। या एक और तरीका मैं बता देता हूँ ऑब्जेक्टिव रंगने के लिए। सबसे पहले आपको जब पढ़ने के लिए मिलेगा पेपर, तो आप क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा सारा। जो जो क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा तो आप गोला में इस तरह बिंदु करते चले जाइएगा, इस तरह हल्का 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 सभी जगह, कि बाद में मुझे रंगने को टेंशन मत हो। हाँ, आपका गलती रंगा कि आपको बाद में समझ में आया कि गलत मैंने रंगा है, तो दूसरा मत रंगिएगा इसको काट कर, क्योंकि वो शेक नहीं होने वाला, उसका नंबर नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो और किसी तरह का व्हाइटनर का यूज मत कीजिएगा, टपर भी गलत हो जाएगा। तो ये सब काम नहीं करना है। एक बार रंगना है आपको, आप क्वेश्चन एक नंबर या बनाते समय क्या कीजिएगा, सभी प्रश्नों में गोला पहले भरना चालू मत कर दीजिएगा, पहले बिंदु बिंदु सभी में कर लीजिएगा, कि ताकि लास्ट जब पूरा पूरा बना लीजिएगा ऑब्जेक्टिव, तब लेकर एकदम शुरू कर दीजिएगा रंगना जल्दी जल्दी आराम से, न ज्यादा बाहर जाए ना ही अंदर छूटे, ऐसे करना है तो जिस तरह मैंने अभी बताया। अब बात होती है सब्जेक्टिव में, इसी में लड़कों का जरूरी होता है कि कैसे लिखकर अच्छा नंबर लाए, दोनों में लाना जरूरी है। तो वैसे क्योंकि दोनों का नंबर लिखा जाता है, दोनों में आपका अच्छा नंबर रहेगा तभी आपके टैलेंट का पता चलता है। तो इसमें कैसे क्या करें कि हमारा अच्छा नंबर है, तो ही मैं तरीका बताने वाला हूँ। जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न है, और इसमें दिया है निर्देश कि 1 से 18 तक है, लेकिन इसमें से केवल 10 ही प्रश्नों का जवाब देना है, 2-2 नंबर का है। 10 × 2 का मतलब एक एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, यानी कुल लेकर 20 नंबर का है। तो मान लीजिए शुरुआत कैसे करें, तो आपको इसी में का आ रहा है कोई भी क्वेश्चन नंबर आ रहा है, जरूरी नहीं है कि पहला आ रहा है तो मैं पहला ही हेडिंग डालूंगा, कोई भी आप इसमें से उठा सकते हैं पहली बात। और उठाने के बाद मान लीजिए आपको छठवा आ रहा है, तो जो जो आ रहा है उसको पहले टिक मार लीजिए, कि ताकि आपको लिखने में परेशानी मत हो। तो किरखॉफ का नियम लिखना है इसमें। तो लिखने से पहले हम क्या करेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको छठवा आ रहा है, तो प्रश्न जब आपको पेज उत्तर पुस्तिका मिलेगा तो वो इस प्रकार तो नहीं रहेगा, वो आपका इस तरह रहेगा, ये लाइनें सीधी रहेंगी, इस तरह इस प्रकार रहेगा। तो करना क्या है आपको, कि इधर पाई नहीं दिया रहता है, आप इंची लगाकर खींच लेंगे, पेन से या पेंसिल से भी कर सकते हैं ये काम। तो जो पेन लिए उसी से करें, ज्यादा बार बार पेंसिल पेन उठाएंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। कॉपी कलम को अपने जेब में ही रखें, कॉपी कलम नहीं पेन को, ताकि नीचे रखेंगे तो हो सकता है गिर जाए, या अच्छा जगह होगा तो वहां पर रख लीजिएगा। आपको क्या करना है कि यहाँ पर बीचों बीच में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में, यहाँ पर बीचों बीच में क्या करना है कि आपको हेडिंग डालना है, इधर नहीं डालना है क्वेश्चन नंबर 1, 2 चाहे कुछ भी, इधर नहीं डालना है, ना उत्तर डालना है, आपको उत्तर का उत्तर के बारे में लिखना ही नहीं है, ठीक है ना। तो क्या करना है यहाँ पे, बीचों बीच एकदम बड़ा सा पन्ना रहेगा, उसके बीचों बीच हेडिंग डालिएगा। अगर आप हिंदी से हैं तो हेडिंग डालिएगा प्रश्न, और मान लीजिए आपको छठवा आ रहा है तो इस तरह डाल के छठवा लिख दीजिएगा। और फिर ये कितने अंक का है, तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा 2 अंक। इस तरह करने से क्या फायदा होगा, तो मैं बता देता हूँ इस तरह करने से क्या फायदा होगा। पहले तो वो जान जाएगा प्रश्न नंबर छठवा है, बीचों बीच लिखना है आपको, और फिर लिखने के बाद इंच लेंगे, और इंच लेकर इसको अंडरलाइन कर लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ज्यादा लंबा भी नहीं, जितना दूर तक इसकी लंबाई है उतना ही करेंगे, थोड़ा सा मोटा कर लेंगे, और
दिखाई दे, मतलब इसको हाईलाइट कर दीजिए बहुत अच्छे तरीके से कि किसी को भी समझ में आए कि नहीं हाँ कुछ डाला है हेडिंग। अब देखिए इससे क्या पता चलेगा, वो इधर उसको बार बार प्रॉब्लम नहीं होगी चेक करने में और यहाँ उसको साफ दिखाई देगा, वो समझ जाएगा प्रश्न नंबर छठवा लिख रहे हैं। कितने नंबर का लिख रहे हैं? 2 नंबर का, मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न आप लिख रहे हैं, यानी उसको पेपर बार बार उलट के देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अंक भी देने में उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या करना है, इस लाइन को छोड़ दीजिए, इस लाइन को छोड़ने के बाद यहाँ पे हेडिंग डालिए, काला से ही हेडिंग डालिए, पेन बहुत ही अच्छा है गोला भरने में भी और हेडिंग डालने में भी मोटा होता है। किरखॉफ का नियम हेडिंग डालेंगे, क्या बन रहा हमारा हेडिंग, किरखॉफ का नियम। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, अगर आप वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। आप अभी ये मत समझिएगा इतना हो गया काफी, इतना ही बस, इतना नहीं अभी बहुत कुछ मैं बताऊंगा क्या क्या करना है आपको। अब इसके बाद ये हेडिंग डालने के बाद इसको आपको डैश मार लेना है, ज्यादा लंबा डैश नहीं। कुछ लड़के क्या करते हैं कि या तो इस तरह कर देते हैं या इस तरह कर देते हैं या इस तरह करके इस तरह कर देते हैं, ये सभी गलत है। ये बताता है या का चिन्ह, ये दिशा का चिन्ह बताता है, ये बिल्कुल व्याकरण का उल्टा है। या तो आप 2 बिंदु डालिए नहीं तो केवल पाई डालिए, डैश मारिए, तो आपको डैश ही देना चाहिए, वो भी ज्यादा लंबा नहीं हल्का। उसके बाद क्या करना है आपको कि यहाँ पे फिर इसको अंडरलाइन कर देना है, इसको अंडरलाइन कर देना है ताकि चेक करने वाले को पता चले। इस कलम का यूज कीजिए बहुत अच्छा है ये, अब देखिए देखने में भी सुंदर लग रहा है। अब फिर आपको एक लाइन छोड़ के इधर वाला यहां से लिखना चालू करना है बातों को कि किरखॉफ का नियम क्या है। अब इस तरह क्या होगा कि उसको ये पता चल जाएगा कि प्रश्न संख्या 6 है, किरखॉफ का नियम लघु उत्तरीय है, 2 अंक ही देना है। आप इसमें कुछ भी अगर गलत भी थोड़ा सा लिख देते हैं तो फिर वो आपका नंबर इस हिसाब से सही देगा, आपके इस स्वभाव के चलते वो समझ जाएगा कि लड़का बहुत ही अच्छा समझदार और चालाक है, क्योंकि उसको पेपर चेक करने में एक समय बहुत कम लगेगा। कुछ लड़के इसी तरह लिख देते हैं जैसे मन तैसे, तो उसको दिक्कत हो जाती है, पेपर बार बार उलट पलट के देखना पड़ता है कि कितने नंबर का है, कौन सा प्रश्न है और क्या लिखा है उसमें। अगर आप किरखॉफ का नियम डाल देते हैं तो इसका वो समझ जाता है कि प्रश्न संख्या 6 में किरखॉफ का नियम बताना है जो 2 नंबर का है, तो उसको बार बार पेपर उलट के देखना नहीं पड़ता है, सीधा वो क्या करता है नंबर आपको देते चला जाता है बहुत ही कम समय में। अगर वो खुश हो गया आपसे तो पूछिए मत, आपका नंबर बनेगा। तो ये तरीका होता है। अब आगे क्या करना है, अगला जो हेडिंग डालना है वो इस प्रश्न के लिखने के बाद अगले प्रश्न का जो जवाब देना है, तो 3 लाइन छोड़ के जवाब दे। मान लीजिए आपने किरखॉफ का नियम केवल बता दिया, बस नियम लिखना है, नियम लिखने के बाद आपका प्रश्न यहाँ तक खत्म हो गया, मान लीजिए पूरा यहाँ तक, तो यहाँ से आप 1, 2, 3 लाइन छोड़कर ही यहाँ पे प्रश्न डालिए। तो मान लीजिए आपको प्रश्न संख्या, प्रश्न आ रहा है कौन सा, नंबर 1, तो प्रश्न आ रहा है कितने नंबर का है, ये भी 2 नंबर का है, 2 अंक, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 मार्क्स, ठीक है। इसको भी फिर आप अंडरलाइन कर दीजिए, फिर थोड़ा मोटा ताकि दिखाई दे, और इसके बाद बहुत ही अच्छे तरीके से आप और भी कर सकते हैं तो कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या देख लीजिए, मैं बताता हूँ, यानी कि प्रश्न में क्या क्या हेडिंग बन सकते हैं वो हर हेडिंग डाल के ही लिखना है। यहाँ पे पहला प्रश्न में विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, तो पहला हेडिंग डाल बन गया विद्युत क्षेत्र रेखा, फिर इसके 2 गुणों को लिखें, ये दूसरा हेडिंग बन गया विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, है ना। तो इस प्रकार हेडिंग डालेंगे, ब्लैक काला से हेडिंग डालेंगे और नीला से लिखेंगे आंसर। और बता दूं कि आपको पॉइंट वाइज करके लिखना है, जैसे मान लीजिए किरखॉफ के कई सारे नियम होंगे तो यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे कि किरखॉफ के निम्नलिखित नियम है, 1, 2, 3 करके लिखिए। यदि 1, 2, 3 नहीं है केवल बस नियम है, तो अगर उसमें आपने किरखॉफ का नियम बताया और भी कुछ एडिशनल जोड़ना चाहते हैं तो उस बात को आप, मान लीजिए आपने यहाँ तक लिखते गए, यहाँ तक 3 लाइन में लिख दिया उसके नियम को, और भी कुछ लिखना आपको एडिशनल बातें, तो उसको पॉइंट करके ही लिखें, इस तरह पॉइंट कर दीजिए और यहाँ पे लिखना चालू कीजिए। इससे क्या होगा कि एक एक पॉइंट पे आपको नंबर देता चला जाएगा, इस पॉइंट पे ही नंबर दिया जाता है बातों को, आप एक ही में लिख देते मिलाकर तो समझता है या तो छाप लिया या इसी तरह उसको रद्द लगता है, अच्छा नहीं लगता, बातें समझ में नहीं आती, इसलिए कम नंबर देता है, विश्वास नहीं बनता। विश्वास बनाने का सबसे अच्छा तरीका है हर बातों को आप पॉइंट कर करके ही लिखिए।
आप परिभाषा देते हैं तो पॉइंट की जरूरत नहीं है, लेकिन परिभाषा के बाद कुछ लिखते हैं तो पॉइंट करके ही लिखिए, ऐसे है लिखा जाता है एग्जाम में। बहुत ही अच्छा नंबर आएगा आपका, आपका आपकी चाहत से 10 नंबर यानी बहुत अधिक नंबर आ सकते हैं। फिजिक्स में आप 80-90 नंबर भी ला सकते हैं। फिर चलिए इसमें क्या एडिंग डाल रहा है, मैं पूरा एक एक बात को इसलिए मैं एक एक टॉपिक भी बना रहा हूँ कि ताकि आप परीक्षा में अच्छे से लिख सकें। इसमें बन रहा है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो एडिंग डालिए एक लाइन छोड़ के, यहाँ पर इस लाइन को छोड़ दीजिए, दूसरी लाइन में एडिंग डालिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इंग्लिश वाले इंग्लिश में डाल लेंगे, इसको डैश मारिए और ये इंची लेकर ही कीजिएगा, हाथ से मत कीजिएगा, इंची लेकर आप जो है इस तरह अंडरलाइन कर दीजिए, थोड़ा सा तिरछा करेंगे मोटा भी हो जाएगा, बहुत अच्छा। और लिखना चालू कीजिए। अब हर बातों को यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में बताना है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश में जाती है, यही सब होती है। हर बातों को पॉइंट करके लिखिए, अगला मतलब पॉइंट करके लिखिए, यहाँ तक लिख दिया, फिर अगला एक लाइन छोड़ के फिर पॉइंट करके लिखिए, एक एक लाइन छोड़ छोड़ के ही हर पॉइंट वाली बातें लिखिए, ताकि उसको साफ साफ दिखाई दे, अच्छा दिखाई दे, समझ में आए, वो खुश होकर भी आपको अधिक नंबर दे सकता है आपके लिखावट पर, दो कई सारे उसको फायदा होंगे चेक करने के। प्रश्न जान जाएगा क्या टॉपिक है क्वेश्चन, उसको पेपर बार बार उलाट को नहीं देखना पड़ेगा, और कितने नंबर का वो भी जान जाएगा, यही फायदा है लिखने का। अब देखिए आपने लिख लिया बातों को, अब आपने यहाँ तक लिख लिया क्षेत्र रेखाओं के बारे में, अगला जो होगा एक लाइन छोड़कर फिर हेडिंग डालिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। यहाँ पे आप हेडिंग डालिए विद्युत क्षेत्र, हड़बड़ी की तो बात है नहीं, क्योंकि आप वहां पे मतलब क्या कहा जाता है, कहते हैं ना थोड़ा सा डर जाना कि कैसे क्या करूं क्या करूं, कोई आ गया अगल बगल में, तो जो भी कोई आएगा अगल बगल में उससे लेना देना मत, उसको देखिएगा भी मत, आपको लिखने पर ही ध्यान दीजिएगा, कोई कुछ भी कहे आप उधर मत ताकिएगा, क्योंकि आप इधर उधर करेंगे तो आपका गड़बड़ हो सकता है। क्षेत्र रेखाओं के गुण इस तरह डैश मार देंगे, और डैश मारने के बाद इस बात को भी अंडरलाइन कर देंगे, मतलब ये क्यों किया जा रहा है, हाईलाइट करने से क्या फायदा है कि जो चेक करने वाला आपका पार्ट एग्जामिनर है वो आपको समझ जाएगा कि आप बहुत ही समझदार हो, आपने उसको पेपर में हेल्प किया, उसको ज्यादा बार बार में दिक्कत नहीं हुआ आपके पेपर को चेक करने पर, इसलिए आपको अंक देता चलाया जाएगा। पॉइंट वाइज करके लिखिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा में पॉइंट करके ही बातों को लिखना चाहिए 12वीं क्लास में, तभी अच्छे नंबर आते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे नंबर आते हैं। नहीं विश्वास हो तो आप करिएगा जरूर, वीडियो को अंत तक देखिए। और बताता हूँ ये तो था लघु उत्तरीय वाले, इसी तरह करना है, और मैं बता देता हूँ किन किन क्वेश्चन में क्या क्या टॉपिक बनते हैं, इतना देखने के बाद आप समझ जाएंगे। यहाँ पे ये टॉपिक बना इस पहले प्रश्न पे, दूसरा प्रश्न पे क्या बन सकता है टॉपिक, किसी चालक की प्रतिरोधकता ताप पर कैसे निर्भर करता है, तो यहाँ पे हेडिंग क्या बनेगा, चालक की प्रतिरोधकता का ताप पर निर्भरता, यहां से बन सकता है ना, इस तरह हेडिंग डाल के आप अंडरलाइन करके लिखिए। फिर उसी तरह अच्छा मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए पहले बता देता हूँ कैसे इसमें लिखना है। इसमें आपको मान लीजिए दिया है कि 19 से 24 तक लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किसी तीन का ही देना है, तीन में से 6 दिया है, तीन का जवाब देना है, तो कोई तीन जो आपको आ रहा है, मान लीजिए आपको 19 आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में धारा छल्ला पर बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें, तो हेडिंग यही बनेगा हमारा, चुंबकीय क्षेत्र में धारा छल्ला पर बल आघूर्ण का व्यंजक। तो मान लीजिए आप यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय मत कीजिएगा, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अंक से ही पता चल जाएगा उसको कि दीर्घ उत्तरीय है या लघु उत्तरीय है। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे प्रश्न 19 और अंक है 5, अगर मान लीजिए 5 मार्क्स का है तो 5 अंक 5, आगे भी अंक लिख सकते हैं 5 अंक या अंक 5 लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर इस बात को अंडरलाइन कीजिए, आपकी और अच्छी हैंड राइटिंग होगी तो और अच्छी इंप्रेशन हो जाएगा चेक करने वाले को। अब इसके बाद क्या करना है, हेडिंग डालना है वही चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर चुंबकीय
क्षेत्र में धारा छल्ला पर बल आघूर्ण का व्यंजक। तो कहेंगे कितना बड़ा हो गया सर, इसको भी अंडरलाइन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उसमें पेज बहुत लंबा रहेगा आपके परीक्षा एग्जाम में, इतना लंबा रहेगा, इसमें आपका यह अट जाएगा बात, और उस बात को अंडरलाइन करके ही लिखेंगे। और नहीं करने का मन होगा तो इतना बड़ा के लिए नहीं भी करते तो समझ जाता है क्या हेडिंग डाला है, एक लाइन छोड़ के आप फिर यहाँ से लिखना चालू करेंगे, और हर बातों को पॉइंट करके लिखेगा, हर माना जो भी मानते छल्ला के बारे में उन सभी बातों को आप पॉइंट करके लिखिएगा। इससे क्या होगा कि वो एक एक पॉइंट बात में समझ जाएगा, वो आपको पूरा नंबर देगा, पूरा नंबर लाया जा सकते हैं, ठीक है ना। ये मत सोचिएगा पूरा नंबर नहीं आता तो आ जाता है, इधर कुछ मत कीजिएगा, हाँ पेंसिल से इधर चिन्ह खींच लीजिएगा, मोड़िएगा मत पेपर को, मोड़ने से आपको ही लिखने में दिक्कत होगा, कुछ लोग मोड़ देते हैं इस तरह करके तो वो गलत काम है, मोड़ने से पर लिखने में बार बार पन्ना को उबड़ खाबड़ हो जाता है जिससे दिक्कत होती है, तो ये काम करना है आपको, और फिर फिगर बनाना है, लिखते चले जाना है, लास्ट में व्यंजक प्राप्त कर लेना है। अगर आपको मान लीजिए प्रश्न नहीं भी आता है, जितना भी आता है उतना ही लिखिए, छोड़िए मत, ये मत सोचिए कि आधा आ रहा है तो क्या लिखूं, उसको लिख डालिए, ऐसे कीजिए एग्जाम में। और फिर क्या कहा जाता है, जिन लोगों को ज्यादा डर लगता है तो वो लास्ट में क्वेश्चन को रिपीट करके भी लिख सकते हैं, शुरू वाला जो क्वेश्चन लिखे हैं उसको लास्ट में, उसका नंबर नहीं बन रहा है, कमी लग रहा है उसको, तो लास्ट में उसको रिपीट कर ले, लेकिन जिसको आ रहा है सारा उसको ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लिखा रहेगा तभी वो नंबर देंगे, इस तरह वो नहीं नंबर दे पाते हैं, कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर आपने लिखा है गलती भी तो आपके इस स्वभाव के चलते वो एक एक नंबर भी दिया तो आपको 10 नंबर दिखा सकते हैं, है ना, और फेल होने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अभी और मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या करना है, और फिर इस टॉपिक में बता देता हूँ किस पर क्या क्या हेडिंग बनेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए तुरंत जो जो एग्जाम देने वाले हैं, और क्या कहा जाता है कि चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो जो फिजिक्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चन चाहिए टॉपिक से तो बोलिए, कमेंट करके बताइए जरूर, मैं हम लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल देंगे, आंसर भी डाल देंगे। और क्या कहा जाता है कि शेयर कर दीजिए दोस्तों में अभी तुरंत जितना भी आपके ग्रुप्स हैं, और फिर अपडेट पाने के लिए रोज हम लोग अपडेट डालते रहने क्लास के लिए आप लोगों को, कि ताकि जो भी नए नियम हो, जो भी अच्छी बातें हो, जानकारी हो, अच्छे नंबर डालने के तरीके हो सारा, वैसे मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हर विषय इंग्लिश पे भी डाल रहा हूँ कि ताकि आप एक एक टॉपिक को बढ़िया से क्लियर कर सकें, ताकि आपका अच्छा नंबर आए। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा जरूर, तो देखिए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, नया नया मिलता रहेगा आपको अपडेशन। यहाँ पे तीसरा में क्या हेडिंग डाल सकते हैं, तो चुंबक के 2 विशिष्ट गुण क्या है, तो हेडिंग डालेंगे चुंबक के गुण, अंडरलाइन करेंगे, डैश मार के लिखना, नीचे एक लाइन छोड़कर पॉइंट वाइज करके ही लिखिएगा, ठीक है ना। और दो कर रहा तो यहाँ पर एक II भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कर रहा विद्युत आवेश क्या है, तो जैसे मैंने बताया उसी तरह करना है, पहले क्वेश्चन प्रश्न संख्या 4, फिर कॉमा कितने अंक का है, 2 अंक का है, फिर अंडरलाइन, फिर हेडिंग डालेंगे विद्युत आवेश, फिर नीचे लिखने के बाद फिर एक लाइन छोड़कर हेडिंग डालेंगे विद्युत आवेश के गुण, उसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। फिर कूलम का नियम में यहाँ पे कूलम का नियम की सीमाएं, यहाँ पे हेडिंग क्या बन रहा है, कूलम के नियम की सीमाएं हेडिंग बन रहा है, इसको हेडिंग बना लीजिएगा। यहाँ पे तो मैंने बताया है, यहाँ पे क्या हेडिंग बनेगा, प्रतिरोधकता एवं विद्युतीय चालकता, तो यहाँ पे प्रतिरोधकता एक बार हेडिंग डाल के लिख लेंगे, पॉइंट वाइज हर बातों को प्रतिरोधकता लिखने के बाद अगला जो अगर इसका सही मात्रक लिखना होगा तो पॉइंट करके ही लिखिएगा, बिंदु करके, और कुछ देना होगा जानकारी तो पॉइंट करके ही दीजिएगा ताकि वो आपको नंबर पूरा दे। विद्युतीय चालकता के बारे में लिखना है तो इसमें भी उसी तरह कीजिए आप। फिर देखिए फिर अगला है कि शैथिल्य पास क्या है, इसकी सहायता से धारणशीलता और निग्राहिता को समझाए, तो यहाँ पर शैथिल्य पास हेडिंग बनेगा आपका, फिर लिखने के बाद आपका धारणशीलता हेडिंग बनेगा, फिर निग्राहिता बनेगा, ऐसे हेडिंग करके आप लिखिए, ठीक। फिर पृथ्वी के चुंबकीय तत्व से क्या समझते हैं, चुंबकीय पृथ्वी के चुंबकीय तत्व, इसको हेडिंग डालेंगे, और जो भी बात इसके बारे में जानते हैं लिख लेंगे। मैं हेडिंग बता रहा हूँ कि क्या क्या प्रश्न में हेडिंग बनाया जा सकता है, हेडिंग जरूर डाल के लिखना चाहिए हर क्वेश्चन में, ताकि चेक करने वाले को बार बार पेपर उलट के मत देखना पड़े और नंबर भी देने में ना सोचना पड़े।
विद्युत चुंबकीय तरंग हेडिंग यहाँ से बन जाएगा, चार गुण है तो यहाँ इसके लिए क्या हेडिंग लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण, चार नहीं लिखेंगे, गुण लिखने के बाद नीचे चार लिख देंगे, चार क्वेश्चन चार को गुण लिख देंगे, ठीक है ना। फिर विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए वैद्युत ऊर्जा घनत्व एवं चुंबकीय ऊर्जा घनत्व के अनुपात को लिखें, तो यहाँ पे हेडिंग क्या बनेगा, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत ऊर्जा घनत्व और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का अनुपात हेडिंग डालकर डायरेक्ट लिख देंगे, या नहीं भी लिखेंगे ये हेडिंग तो यहाँ पे तो केवल अनुपात लिखना है तो केवल अनुपात लिख देंगे, क्या होता है। तो जरूरी है कि हर क्वेश्चन में हेडिंग बने ही, उस क्वेश्चन में हेडिंग नहीं भी बनते। फिर यहाँ पे प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन हेडिंग बनेगा, फिर यहाँ पे इसके लिए क्या हेडिंग बनाएंगे, तो प्रकाश के, या प्रकाश मत डालिएगा, केवल हेडिंग डालिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के साथ, ठीक है, ये हेडिंग बन जाएगा। क्रांतिक कोण यहाँ पे हेडिंग बन जाएगा, यहाँ पे प्रकाश और पदार्थ तरंग में अंतर, तो प्रकाश तरंग और पदार्थ तरंग में अंतर बताना है, तो एक तरफ प्रकाश तरंग बन जाएगा हेडिंग, एक तरफ पदार्थ तरंग, दोनों में अंतर लिखना, तो सारणी बना के लिखना, उसमें अंडरलाइन करने की कोई जरूरत नहीं होती। एक्स किरण के उपयोग लिखना है तो हेडिंग डालेंगे एक्स किरण के उपयोग, यहाँ पे क्या हेडिंग डाल सकते हैं, नाभिकीय घनत्व से आप क्या समझते हैं, नाभिकीय घनत्व डाल सकते हैं, यहाँ पे नैज अर्धचालक और अपद्रव्य अर्धचालक हेडिंग डाल के, ये तो आसान है, उन दो कारक के नाम लिखे जिनने टीवी टावर द्वारा प्रेषित सिग्नल के प्रास का प्रास पढ़ाया जा सकता है, तो कारक का नाम लिखना है, तो यहाँ पे हेडिंग आपका नहीं बन पाता है, तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन चलिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ। इसी तरह इसमें भी गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन के लिए सिद्ध करें, तो इस हेडिंग यहाँ पे क्या बनेगा, गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन, और नीचे लिख लेंगे सिद्ध करना है इतना इतना। उसी तरह यहाँ पे गॉस प्रमेय बन जाएगा, यानी किसी तरह से आपको हेडिंग बनाकर ही लिखना है ताकि आपके अच्छे नंबर आए, और बाकी मॉडल सेट मार लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन है, टेस्ट रोज दिया कीजिए ताकि आपको पता चले आपका कितना नंबर आ रहा है, जैसे मैं बताया हूँ बिल्कुल वैसे ही करना है, बहुत अच्छा नंबर आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, डाल रहा हूँ मैथ पर भी, केमिस्ट्री पर भी, इंग्लिश पर भी, सभी का डाल रहा हूँ, तो देखते रहिए, चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।